Hi everyone, this is Mansi from eVidyarthi Judge In. Now, what I see most people doing when it comes to text formatting, आप उसे select करते हो, then आप उसमें font change करते हो, bold करोगे, उसको italic करोगे, color change करोगे, उसका size change करोगे, and there are many more features जो कि आप उस पर apply करोगे. But if you are doing it multiple times, then you are wasting a lot of time and efforts. So today in this session, I will guide you how to use QuickStyles. Over here you can see I have this document and यहाँ पे मेरे पास title है, headings हैं, सब headings हैं. But you will notice one thing, if I select this, तो आप देखोगे इसमें मैंने कोई भी attribute apply नहीं किया. मैंने यहाँ पे कोई bold attribute apply नहीं किया, या फिर इसको italic नहीं किया, underline नहीं किया. मैंने इसमें कुछ भी attribute apply नहीं किया हुआ except heading and the font size. But over here आप देखोगे यहाँ styles में मेरे पास title selected है. So, यहाँ पे आपके पास क्विक स्टाइल्स होते हैं जिसमें से आप इसको चूज कर सकते हो, जो भी आपके हेडिंग है या सब हेडिंग है या नॉर्मल टेक्स्ट है उसमें अप्लाई करने के. लाइक आई हैव हेडिंग, सो इफ आई क्लिक ऑन हेडिंग, तो आप देखोगे यहाँ पे कौन सा स्टाइल अप्लाई, इट सेज हेडिंग वन, एंड फॉर द सब हेडिंग आई हैव चूजन हेडिंग टू. सो इन दिस वे आप बिना उसे बार बार करने की जगह यहाँ से स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो. एंड नॉट ओनली फॉर योर हेडिंग्स एंड टाइटल्स, यू हैव इट फॉर योर टेक्स्ट ऑल्सो. लाइक फॉर नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस, यू विल सी इट इज नॉर्मल. यहाँ पे जो स्टाइल अप्लाई है वो नॉर्मल है. बट इसके अलावा भी आप देखोगे यहाँ पे आपके पास काफी ऑप्शन है, लाइक नो स्पेसिंग, देन दीज आर फॉर हेडिंग एंड टाइटल्स एंड सब टाइटल्स, यू हैव सटल एम्फेसिस, देन एम्फेसिस इंटेंस एंड सो मेनी अदर्स. इफ आई क्लिक ऑन दिस, आप देखोगे यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शन है आपके पास जो कि आपने नॉर्मल टेक्स्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हो. बट नाउ अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने मैनुअली फॉर्मेट किया हुआ है, तो आप उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हो. फॉर दैट आई विल स्विच दिस डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, एंड यहाँ पे जितने भी मेरे पास टाइटल्स हैं या फिर जो हेडिंग्स वगैरह हैं, इन पे सब पे यहाँ पे नॉर्मल आएगा स्टाइल में, मीन्स इसमें कोई स्टाइल अप्लाइड नहीं है. बट जो यहाँ पे हेडिंग्स हैं, इसमें आप देखोगे यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक इफेक्ट अप्लाइड है, या टाइटल में बोल्ड इफेक्ट अप्लाई है. सो नाउ इसमें अब हम स्टाइल्स अप्लाई करेंगे. आई विल सेलेक्ट दिस. Now you will see इस पेज में काफी सारी हेडिंग्स हैं, सो उसे बार बार करने की जगह आई सेलेक्ट वन, देन यहाँ पे एडिटिंग में हमारे पास ऑप्शन होता है सेलेक्ट में, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो आप देखोगे इस फॉर्मेटिंग के साथ जितना भी टेक्स्ट था, मीन्स जो भी हमारे टाइटल्स थे, वो सारे एंड तक सेलेक्ट हो गए हैं. नाउ मैं एक बार ही क्विक स्टाइल अप्लाई करूंगी एंड वो सब पे अप्लाई हो जाएगा. सो फॉर दिस वन आई चूज हेडिंग वन, सिंस इट इज अ हेडिंग, सो आई चूज दिस वन एंड क्लिक ऑन दिस. तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी मेरे पास हेडिंग्स थी सब पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा. फाइन, सिमिलरली आई कैन डू दैट विद द सब हेडिंग. ओवर हियर आई हैव द सब हेडिंग, आई सेलेक्ट दिस अगेन, आई विल गो एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, एंड देन आई कैन ईदर गो विद हेडिंग टू और आई कैन चूज हेडिंग थ्री, इट्स अप टू मी. हेडिंग थ्री इज टू शॉर्ट, सो आई विल गो टू हेडिंग टू एंड आई विल क्लिक दिस. अब यहाँ पे जितनी भी सब हेडिंग्स थी वो भी हमारे पास एडिट हो गई है. नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज द टाइटल. सो इफ आई सेलेक्ट दिस, आई कैन गो अहेड एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टाइटल का, सो आई कैन क्लिक दिस. एंड इफ यू वॉन्ट, तो आप मैनुअली भी उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो. ऑल्सो वी कैन फॉर्मेट दीज क्विक स्टाइल, दैट वी लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. फॉर नाउ यू विल नोटिस दैट इट वॉज अ लॉट क्विकर देन मैनुअली मेकिंग दोज चेंजेस. और इसके साथ अब हम इसमें डिफरेंट स्टाइल सेट्स अप्लाई कर सकते हैं. फॉर दैट जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, आप डिजाइन में जाके यहाँ से स्टाइल सेट्स भी चूज कर सकते हो जो भी आपको अप्लाई करनी है. यू कैन गो अहेड एंड क्लिक ऑन दैट और वो अप्लाई हो जाएगा. फाइन, सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड बाय.